अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ अकीदत फातिमा। आज मैं स्टार्ट करूँगी कंप्यूटर वैल्यू के लेक्चर 4 को। इससे पहले वाले लेक्चर्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर। क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर किस तरह से की जाती है, इसको जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स 3 तरीके से की जाती है, बाय टाइप, बाय साइज, बाय पर्पस। बाय टाइप एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर्स। एनालॉग कंप्यूटर जो होता है, इसको हम मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं और ये कंटिन्यूली काम करती रहती है। और डिजिटल कंप्यूटर ये 0 और 1 की फॉर्म में होती है और ये काउंटिंग के लिए ही यूज़ होती है, में काम करता है और डिजिटल की तरह इसमें एक्यूरेसी पाई जाती है। और बाय साइज के लिहाज से कंप्यूटर जो होती हैं, इसकी 4 टाइप हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। बाय पर्पस 2 किस्म की होती हैं, यानी कि जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। जनरल पर्पस यानी कि आप लोग इसको असाइनमेंट बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं या किस डिफरेंट किस्म के डॉक्यूमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा मूवीज़ को देखने के लिए, गेम्स वगैरह को खेलने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और स्पेशल पर्पस क्या होता है, स्पेशल का मतलब ही है खास, यानी कि खास काम के लिए इन्हें यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, साइंटिस्ट जो हैं इनको रिसर्च के लिए यूज़ करते हैं कंप्यूटर को। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में डिटेल से भी डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर इतना ही था। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी। इसको शेयर कर दें और न्यू फ्रेंड्स जो हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।